this video I'm going to share with you how to do pedicure at home, वो भी पार्लर जैसा। तो चलिए देखते हैं वीडियो कैसा है। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो फर्स्ट आई हैव टेकन अ बकेट, इन इट आई हैव टेकन हॉट वाटर। सो आई एम गोइंग टू ट्राई डैट कि ये हॉट वाटर सही है या नहीं। आई थिंक आई नीड लिटिल मोर हॉट वाटर, बट स्टिल आई मैनेज। तो अभी हम इसमें डालेंगे, सबसे पहले लेमन डालेंगे। लेमन हमारे पैर को साफ करने में और हमारे स्किन टोन को लाइट अप करने में हेल्प करता है। तो अभी हम इसमें लेमन डालेंगे अच्छे से। इस लेमन को हमें फेंकना नहीं है, बिकॉज ये बाद में हमें रब करने में हेल्प आएगा। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हनी, बिकॉज हनी जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए। अगर आपके पास हनी नहीं है देन यू कैन यूज़ शुगर एज वेल। देन आई एम गोइंग टू यूज़ शैम्पू, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं जब हम नहाते हैं, तो हम शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल करते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज़ शैम्पू इन इट। उसके बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि आपस में खुल जाए। उसके बाद मैं अपने पाँव को 5 से 7 मिनट तक इसमें छोड़ दूँगी। तो 7 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद हम अपने पैरों को साफ करने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्टार्ट करेंगे अपने पैरों को साफ करना। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आरामदायक, कन्वीनियंट एट द सेम टाइम यूजफुल होता है ये लेमन हमारे पैर के लिए, स्किन के लिए एक्चुअली। एज यू कैन सी मैं जैसे जैसे साफ करना स्टार्ट कर रही हूँ मेरे पैर साफ हो रहे हैं। आप इसे उल्टा कर सकते हो साफ करने के लिए। तो आइए फटाफट हम इसे साफ कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पैर है ये खुजे से साफ हो गया है, मैंने इसे खुजे से साफ कर लिया है। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे, स्क्रब करेंगे अपने पैरों को। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लोटस का एप्रिक स्क्रब। तो आई एम टेक इट ऑन माई हैंड एंड मैं इसे डायरेक्टली अपने पैर पर अप्लाई कर रही हूँ। अपने पैरों को आप पानी से निकाल दो, बट स्टिल उस पानी को रखो, बिकॉज उसको आपको धोने में काम आएगा। पैर को आपको बार बार धोना पड़ेगा, तो आपको बार बार वापस जाना पड़ेगा। तो हम फटाफट अपने पैरों को स्क्रब कर लेते हैं। आयुध का मसाज क्रीम पैरों को मसाज करने के लिए, ताकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से चले। लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्टेप इज आई एम गोइंग टू रिमूव माई नेल पेंट, जो भी मेरा बचा खुचा नेल पेंट इधर है। आई एम गोइंग टू रिमूव इट विथ माई टिंटिन वाइप्स नेल पेंट रिमूवर के साथ। उसके बाद मैं अप्लाई करने वाली हूँ अपना ये एरिटिन का नेल पॉप्स। इसमें मेरा सेट पता नहीं क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये होगा हमारा पेडिक्योर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।